हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आपका शब्द और वाक्य। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला। तो जो आपके ये छोटे छोटे वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, उन सब वर्णों को जोड़ जोड़ कर एक शब्द बनाया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। वर्णों का वह संयुक्त रूप, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला जुला रूप, जो कोई अर्थ प्रदान करे। यानी कि आप वर्णों को जोड़कर लिखेंगे, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना ही चाहिए, शब्द कहलाता है। यानी कि अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे, तो हम शब्द नहीं कह सकते। आप वर्णों को जोड़कर लिखेंगे, लेकिन उसको एक अर्थ मिलना ही चाहिए। जैसे आपका लिखा है शय, है, रे, ये आपके अलग अलग वर्ण हैं। यानी कि वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, जो ध्वनियाँ थीं, ये थी शय, है, रे। अब आपको 3 वर्ण दिए गए हैं कि इससे आपको शब्द बनाना है। तो आपको सही क्रम में जोड़ना था, तो ये सही क्रम है शय, है, रे। तो इसका आपका अर्थ बनता है शहर। लेकिन अगर आप इसी को गलत क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि आप है को इधर लिख देते हैं, श को इधर लिख रहे हैं और रे को इधर लिख रहे हैं, तो आपका हो गया है श रे। ऐसे ही आप इसको दूसरे तरीके से चेंज करके लिख रहे हैं, तो इसका हो गया रे है श। यानी कि इन दोनों जो आपने जोड़ कर लिखे हैं, इनको हम शब्द नहीं कह सकते। केवल शब्द ये है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है शहर। इसलिए वर्णों का संयुक्त रूप, यानी कि जुड़ा हुआ रूप, वर्णों का संयुक्त रूप जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं है। अगर एक लाइन में हम इसे समझें तो लिखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि अर्थ के साथ। तो वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर है आपका वाक्य। अब वर्णों को जोड़ जोड़ कर आपने एक शब्द तो बना लिया। अब इन शब्दों को ही जोड़ जोड़ कर हम एक वाक्य बना लेते हैं। जैसे जय और सय, इनको जोड़कर आपने एक शब्द बनाया। इन 3 वर्णों को जोड़कर आपने एक शब्द बनाया। इन 2 वर्णों को जोड़कर आपने एक शब्द बनाया। लेकिन अब इन शब्दों को भी जोड़ जोड़कर क्या करना है, एक पूरा वाक्य बनाना है, इनकी पूरा एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे इसमें लिखा था वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो आप इसको भी इसी की लैंग्वेज में समझ सकते हैं, भाषा में समझ सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अर्थात यानी कि इसका मतलब है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसमें भी शब्दों को सही क्रम में रखना जरूरी है। अगर आप इधर से उधर या उधर के वर्ण शब्दों को इधर रखेंगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है आपका मोहन गाना गाता है, तो ये आपका सही वाक्य है। बिल्कुल अपनी अपनी जगह सारे शब्द सही लिखे हुए हैं। फिर है आपका गाना मोहन है गाता, अब इसका तो कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। यानी कि आपका ये सही वाक्य है और ये गलत वाक्य है। दूसरे उदाहरण का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। जबकि उदाहरण 1, यानी कि जो आपने ये वाला लिखा था मोहन गाना गाता है, का हमें अर्थ ज्ञात होता है, यानी कि हमें अर्थ पता चल रहा है इसका, अतः ये वाक्य है। यानी कि अगर दोनों 2 लाइनों में इन चीज़ों को समझा जाए, तो पहला है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उस जैसे अगर आप इसमें समझे, सबसे छोटी इकाई आपके वर्ण है, वर्ण को जोड़कर बनता है शब्द और शब्दों को जोड़कर बनता है आपका वाक्य।
यह आपका सारांश यानी कि जो आपने इसमें पढ़ा है तो उसका मेन उद्देश्य आपको पढ़ाने का क्या था, वर्णों का अर्थयुक्त मेल शब्द कहलाता है, यानी कि वर्णों का अर्थयुक्त मेल यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो ऐसा मेल ऐसा जोड़ शब्द कहलाता है, और शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है। शब्दों के उचित मेल के माध्यम से ही हम अपनी बात अन्य लोगों को समझा सकते हैं, यानी कि अपनी बात समझाने के लिए शब्दों का उचित मेल जरूरी है, जिससे कि शब्दों के उचित मेल से एक वाक्य बन जाता है और हम अपने वाक्य से अपनी बात को दूसरों तक समझा सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास कार्य पे। पहला आपका है प्रश्नों के उत्तर, ये मैंने बुक पे लिखे हैं लेकिन आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, बुक पे नहीं लिखेंगे, अपनी कॉपी पे करना है वाला वर्क। शब्द से आप क्या समझते हैं, तो हमने भी पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ वर्णों के स्थान पर शब्द आ जाएगा, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और यहाँ शब्द के स्थान पर वाक्य आ जाएगा। क्या रमो शब्द कहा जा सकता है, नहीं, ठीक है, रमो शब्द नहीं कहा जा सकता, यह शब्द नहीं है, सही शब्द है मोर, यानी कि रमो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसको वर्ण गलत करके लिखे हैं, तो वर्णों को सही क्रम में लिखना है, मैं को मो को आगे लाना है और रे को पीछे, तो ये सही शब्द बन जाएगा आपका मोर। ऐसे आपके रिक्त स्थान है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, बिना उचित मेल वाले यह शब्द लिखा, वर्ण लिखेंगे, वर्णों के शब्द नहीं कहते हैं, यानी कि बिना उचित मेल वाले वर्णों को शब्द नहीं कहते। वाक्य के द्वारा हम अपनी बात व्यक्त करते हैं, अपनी बात बताने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित आप केवल कॉपी पे ये वाला वर्क करेंगे, इनको बुक पे ही फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के समूह को वाक्य रूप दीजिए, यानी कि गलत लिखे हुए हैं इनको सही करना है। खेलते बालक हैं तो इनको लिखना है बालक खेलते हैं, है एक फूल यह है तो यह एक फूल है, मेरी पुस्तक है यह, तो इसको सही करके लिखेंगे यह मेरी पुस्तक है। नीना रही नाच है तो नीना नाच रही है। फिर आपका वर्ण दिए हैं, ये सब वर्ण क्रम में नहीं है, इनको क्रम में लगाना है, तो इससे शब्द बनेगा डी ची ये ऐसे करके, तो इनसे बनेगा ये चिड़िया, इन वर्णों को मिलाकर बनेगा कमल, लेकिन ये सही क्रम में अपने आप लगाने हैं। शेर ये है कुत्ता। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है और ये अपनी कॉपी पर नोट करनी है। थैंक यू, टेक केयर।